मुझसे नमाज लास्ट में बहुत कम 100% में और 10% लगते हैं और 90% सब उसी में बस आतंकवादी बंदे चले जाते हैं। दाढ़ी ऐसे दाढ़ी मूल्य पादरी ऐसे जब जो होते हैं ये सब मूल्य पादरी हम लोगों को भविष्य को बिगाड़ने में अगर अच्छे के अगर जो संगत पाता तो ज्यादातर बिगड़ने के ही रास्ते जाता है और बढ़ने को उतना बनने के रास्ते पर वो सीधे नहीं जा सकता है। इसलिए अगर मुसलमान ज्यादातर सोचते हैं कि हिंदू जो है हिंदू को भ्रष्ट करके ये जो पूरा देश अपना है उसके ऊपर कब्जा कर ले उसके ऊपर। इसलिए कुरान में लिखा है शायद उसमें कि काफिरों का मुड़ी काट कर उसपे पैसा कमाओ वो सब पुण्य का काम होगा उससे। ये कौन बताया है आपको कि लिखा है? ये हम लोग भारत का भविष्य एक छोटी सी पुस्तक का उसमें शायद हमने पढ़ा था। इसमें लिखा है तुम काफिरों का कहना कहा न मानो और उनसे बड़े जोरों से युद्ध करो। और उसमें लिखा है ए मुसलमानों जब तुम काफिरों से भिड़ो तो उनकी गर्दन उड़ा दो और यहाँ तक कि जब उनका कत्ल न कर सको तो जिंदा पकड़ लिया तुम मजबूती से कैद कर लो। कुरान के बारे में ऐसी बात लिखा गया जो कि हमारे वेद की विरुद्ध है। और आपको लगता है कि ये सब सही लिखा गया है? सही लिखा है। तो आप तो इससे अब निपटने के लिए क्या करेंगे? हम इससे निपटने के लिए आर्यवीर दल की एक बड़ी सेना बनाएंगे जिसे काफिरों और मुस्लिमों आतंकवादियों जितने भी हैं उस आतंकवादियों को हम जड़े जड़े सुड़ाने का उनके नाक चने चबाने के लिए हम काम करेंगे। आप भी एक किताब पढ़े हैं आतंकवाद और भारत का भविष्य? आपका कोई मुसलमान दोस्त है? नहीं। कोई मुसलमान दोस्त नहीं? मुसलमान से क्यों नहीं दोस्ती करते हैं? हमारे मोहल्ले में कोई मुसलमान नहीं है, हम मोहल्ले से दूर में। तो उनसे आपका दोस्ती नहीं हुआ? मिलेगा तो करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? आपको कोई मुसलमान मिलेगा तो उससे दोस्ती क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इस पुस्तक के पढ़ने से मुझे ये पता चला कि उस को भी आतंक फैलाते हैं। तो आप मुसलमानों से दोस्ती नहीं करेंगे? नहीं। और किताब नहीं पढ़े होते तो आप करते? जी मिलते तो अब मिलेंगे तो भी नहीं करेंगे ना।